हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो और सीखो। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं 100 रोज बोले जाने वाले शब्दों के नाम इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है तुलना, तुलना करना, कंपैरिजन, कंपैरिजन। आप अपने बच्चों की तुलना दूसरों से मत कीजिए, अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए। दूसरा शब्द है दोस्तों राय, राय को इंग्लिश में कहते हैं ओपिनियन, ओपिनियन। आपकी इस मामले में क्या राय है, आपकी इस मामले में क्या ओपिनियन है, ओपिनियन। फिर है दोस्तों शिकायत, शिकायत को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लेंट, कंप्लेंट। मैं आपके इस बिहेवियर की शिकायत करूंगा या करूंगी, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी, कंप्लेंट। फिर है दोस्तों कुछ ही समय, कुछ ही समय, शॉर्टली, शॉर्टली। ये ट्रेन कुछ ही समय में आने वाली है, ये ट्रेन शॉर्टली आने वाली है। फिर है दोस्तों क्षमता, क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल। इस बच्चे में बहुत अच्छी क्षमता है, इस बच्चे का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। फिर है दोस्तों जीत पाना, किसी भी प्रॉब्लम से जीत पाने को इंग्लिश में कहते हैं ओवरकम, ओवरकम। तुमने अपने परेशानी पर जीत पा ली, तुमने अपने परेशानी से ओवरकम हो गए। फिर है दोस्तों सीधा, सीधा को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट, ये सीधा रास्ता है, स्ट्रेट रास्ता है। फिर है दोस्तों समझना, कोई आपको समझा रहा है, समझना को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें समझ में आया, डू यू अंडरस्टैंड। कमज़ोरी, कमज़ोरी को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं वीकनेस, वीकनेस। मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, मुझे वीकनेस फील हो रही है। फिर है दोस्तों कोई नहीं, कौन है, कोई नहीं, नोबडी, नोबडी इज़ देयर। नेक्स्ट वर्ड है खुद, खुद, माई सेल्फ, माई सेल्फ। फिर है विश्वास, विश्वास को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं बिलीव, बिलीव। मुझ पर विश्वास करो, मेरी बातों पर बिलीव करो, बिलीव। फिर है कभी कभी, कभी कभी को इंग्लिश में कहते हैं समटाइम, समटाइम। कभी कभी मैं बाहर घूमने जाता हूँ, समटाइम्स आई गो आउटसाइड, कभी कभी। फिर है भरोसा, भरोसा को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ट्रस्ट, ट्रस्ट। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दर्पण, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर, मिरर। जाओ जाके मिरर में अपने आप को देख कर आओ, मिरर। फिर है दोस्तों कार्यालय, कार्यालय को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस, ऑफिस, जहाँ पर लोग काम करने जाते हैं। मेरा कार्यालय दूर नहीं है, मेरा ऑफिस दूर नहीं है, पास में ही है। फिर है दोस्तों पापी, जो इंसान पाप करता है, गलत काम करता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं सिनर, सिनर। फिर है दोस्तों विकल्प, विकल्प को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन, ऑप्शन। पढ़ाई करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप जॉब कर सकते हैं या आप और ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश सीखने के लिए। फिर है दोस्तों राजकुमारी, जो राजघराने में होती हैं, राजकुमारी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसेस, प्रिंसेस। राजकुमारी का ऑपोजिट होता है राजकुमार, राजकुमार जो राजा का बेटा होता है, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंस, प्रिंस। राजा होता है किंग और किंग का बेटा होता है प्रिंस। फिर है दोस्तों जनता, जनता को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक, पब्लिक। जो आम लोग होते हैं उन्हें जनता कहा जाता है, पब्लिक। फिर है दोस्तों दोहराना, एक ही चीज़ को बार बार दोहराने को कहते हैं रिपीट, रिपीट। अब ये गलती आप दोहराएंगे नहीं, अब ये गलती आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हटाना, कोई भी चीज़ को हटाने को इंग्लिश में कहते हैं रिमूव, रिमूव करना। जैसे कि इस पिक्चर में ये लड़की अपना मेकअप रिमूव कर रही है और दूसरा इंसान
बर्फ को हटा रहा है। फिर है दोस्तों रास्ता, जिस पर हम चलते हैं। रास्ता को इंग्लिश में कहते हैं वे, वे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रगति करना, प्रगति। प्रगति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। आप अपने काम में प्रगति कर रहे हैं, आप अपने काम में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर है दोस्तों प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। फिर है दोस्तों पूर्वज, पूर्वज को इंग्लिश में कहते हैं एंसेस्टर, एंसेस्टर। हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे एंसेस्टर बंदर थे। फिर है दोस्तों निर्देशक, निर्देशक को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर। जो पिक्चर को डायरेक्ट करता है, हीरो हीरोइन को बताता है कि कैसे काम करना है, एक्टिंग करना है, डायरेक्टर। दूसरा है दोस्तों लत, लत को इंग्लिश में कहते हैं एडिक्शन, एडिक्शन। आजकल के लोगों को मोबाइल की लत लगी है, मोबाइल का एडिक्शन है। कुछ लोगों को सिगरेट ड्रिंक करने की एडिक्शन है। फिर है दोस्तों खतरनाक, खतरनाक को इंग्लिश में कहते हैं डेंजरस, डेंजरस। जैसे स्विच बोर्ड्स होते हैं नीचे की तरफ, बच्चों के लिए खतरनाक है, डेंजरस है, करंट लग सकता है। फिर है दोस्तों चुनौती, चुनौती को इंग्लिश में कहते हैं चैलेंज, चैलेंज। आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, ये एक चुनौती है आपके जीवन के लिए, ये एक चैलेंज है। फिर है दोस्तों ज्ञान, जो हमें किताबों से पढ़कर, अच्छी बातें सुनकर आता है, इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज, नॉलेज। अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, आपके काम आएगी। फिर है दोस्तों वर्ड खुशी, खुशी को इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अच्छा काम करने से हमें खुशी मिलती है, हमें हैप्पीनेस मिलती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जनसंख्या, जनसंख्या को इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। हर स्टेट की, हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, जनसंख्या अलग होती है। फिर है दोस्तों आवश्यकता, आवश्यकता को इंग्लिश में कहते हैं रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। आपको कहीं जाने के लिए या किसी चीज़ के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप एक पेपर पर लिख सकते हैं। फिर है दोस्तों वेतन, एक महीना काम करने के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं सैलरी, सैलरी। आज मुझे वेतन मिला है, आज मुझे मेरी सैलरी मिली है। फिर है दोस्तों परिणाम, परिणाम को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट। बच्चे साल भर स्कूल जाते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर उनका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है कि वो पास हुए हैं कि फेल। फिर है दोस्तों अनियंत्रित, जिसको आप काबू में नहीं कर सकते, जैसे छोटे बच्चे, अनरूली, अनरूली। बच्चे बहुत अनियंत्रित होते हैं, अनरूली होते हैं। फिर है दोस्तों गली, आप किस गली में रहते हैं, स्ट्रीट, स्ट्रीट। आप कौन सी स्ट्रीट में रहते हैं। फिर है दोस्तों सहायता, सहायता या मदद को इंग्लिश में कहते हैं सपोर्ट, सपोर्ट। मुझे आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जो आप मेरे वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं। फिर है दोस्तों बर्तन, बर्तन को इंग्लिश में कहते हैं यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपूर्ति, आपूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई, सप्लाई। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जोखिम, जोखिम को कहते हैं रिस्क, रिस्क। जो तुम काम करने जा रहे हो बहुत जोखिम भरा है, बहुत रिस्की काम है, ध्यान से करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फायदा, फायदा को इंग्लिश में कहते हैं एडवांटेज। तुम मेरा फायदा मत उठाओ, तुम मेरा एडवांटेज मत उठाओ। नेक्स्ट है दोस्तों अकड़न, अकड़ जाना, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिफ, स्टिफ। मेरी गर्दन अकड़ गई है, मेरी गर्दन थोड़ी स्टिफ है आज। फिर है दोस्तों कार्य सूची, कार्य सूची को इंग्लिश में कहते हैं एजेंडा। जो जो काम हम करने जा रहे होते हैं, हमें करने होते हैं, हमारा कल का क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या काम है, कार्य सूची। फिर है दोस्तों पदोन्नति,
आप जो भी पद पर हैं, जो भी जहां पर हैं, उससे आपको एक प्रमोशन मिल जाना। प्रमोशन, आपका जॉब में प्रमोशन हुआ है, आपकी पोस्ट बढ़ गई है। फिर है दोस्तों उत्सुक, बहुत ज़्यादा खुश होना, कीन, कीन। नेक्स्ट है दोस्तों नयापन, नयापन, इनोवेशन, इनोवेशन। ये कुछ नयापन लेकर आए हैं, ये कंपनी कुछ इनोवेटिव लेके आई है। फिर है दोस्तों उपयुक्त, उपयुक्त को इंग्लिश में कहते हैं सूटेबल, सूटेबल। ये वाली जॉब के लिए ये लड़का उपयुक्त है, ये लड़का सूटेबल है ये जॉब करने के लिए। फिर है दोस्तों उपयोगकर्ता का नाम, यूज़र नेम, यूज़र नेम। जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो आप वहाँ पर अपना नाम देते हैं, चाहे वो बैंक का हो या मोबाइल में किसी भी चीज़ का अकाउंट। फिर है दोस्तों उल्टा, उल्टा को इंग्लिश में कहते हैं अपसाइड, अपसाइड। ज़्यादा उल्टा मत हो, उल्टी हो जाएगी, अपसाइड डाउन नहीं हो। फिर है दोस्तों सच, सच को इंग्लिश में कहते हैं ट्रू, ट्रू। सही को कहते हैं करेक्ट, क्या तुम सच कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो ट्रूथ है, ट्रू है, सही है। फिर चप्पल, चप्पल को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्लिपर्स, स्लिपर्स। मेरी चप्पल कहाँ है, मेरी स्लिपर्स कहाँ हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कम करना, कम करना को इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूस, रिड्यूस। पानी को वेस्ट मत करो, पानी का कम उपयोग करो, पानी का यूज़ रिड्यूस करो। फिर है दोस्तों हकलाना, कई लोगों को बचपन से परेशानी होती है बोलने में, वो हकलाते हैं, स्टैमर, स्टैमर। वो बच्चा स्टैमर करता है, वो बच्चा हकलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों छोटे छोटे कंकड़, कंकड़ को इंग्लिश में कहते हैं पेबल्स, पेबल्स। ध्यान से चलो, पाँव में कंकड़ चुभ जाएगा, पेबल्स चुभ जाएंगे। फिर है दोस्तों पठार, बड़े पत्थर को कहते हैं पठार को, रॉक, रॉक। जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको ज़रूर रॉक दिखाई देते होंगे। फिर है दोस्तों पत्थर, पत्थर कंकड़ से थोड़े बड़े और पठार से थोड़े छोटे होते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्टोन, स्टोन। फिर है दोस्तों अनुसरण करना, अनुसरण करना को इंग्लिश में कहते हैं फॉलो, फॉलो। जो आगे वाला करता है वही हमें करना होता है, फॉलो करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बदक के बच्चे अपनी मम्मा को फॉलो कर रहे हैं। फिर है दोस्तों बुनियादी, बुनियादी को कहते हैं बेसिक, बेसिक। जैसे एक इंसान को बुनियादी चीज़ें क्या लगती हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स हैं। फिर है दोस्तों पीछे, पीछे को इंग्लिश में कहते हैं बैक, बैक। कार को पीछे की तरफ लो, बैक साइड लो। नेक्स्ट है दोस्तों आगे, आगे को इंग्लिश में कहते हैं फ्रंट, फ्रंट। जैसे कि ये चूहा एक बॉक्स के आगे बैठा है, ये चूहा एक बॉक्स के फ्रंट में बैठा हुआ है। फिर है दोस्तों भूलना, कोई चीज़ को भूल जाने को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेट, फॉरगेट। तुम फिर से भूल गए, यू अगेन फॉरगेट। कूदना, दोस्तों कूदना को इंग्लिश में कहते हैं जंप। बच्चों को बोलते हैं ज़्यादा कूदो मत, ज़्यादा जंप नहीं करो, नहीं तो गिर जाओगे, जंप। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पहनना, कपड़े पहनना या हेलमेट पहनना या जूता पहनना, इंग्लिश में कहते हैं वेयर, वेयर। वेयर योर शूज, अपने जूते पहनो, वेयर योर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहनो। नेक्स्ट है दोस्तों रोना, जो हमें नहीं चाहिए, क्राई या वीप, क्राई या वीप मतलब होता है रोना। डोंट क्राई, रोना बंद करो, मत रो। फिर है दोस्तों गहरा, जो समुद्र नदी होती है, गहरा को इंग्लिश में कहते हैं डीप, डीप, डीप इन द सी, समुद्र की गहराइयों में। फिर है दोस्तों घड़ी, घड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वॉच, वॉच, जो हम अपनी कलाई में बांधते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मिलना, कोई चीज़ आपको जो मिलती है उसे कहते हैं गेट, गेट।
टुडे आई गॉट दिस, आज मुझे ये मिला। मिलना। फिर क्या है दोस्तों? देना। देना शब्द को इंग्लिश में कहते हैं गिव। गिव दिस गिफ्ट टू मी, ये गिफ्ट मुझे दो। फिर है दोस्तों रखना। कोई सामान नीचे फैला है, उसको उठा के रखने को हम कहते हैं कीप। कीप। फिर है दोस्तों घंटा। एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, आवर। घंटा को कहते हैं आवर। फिर है दोस्तों चोरी। चोरी शब्द को इंग्लिश में कहते हैं स्टील। स्टील, जैसे एक चोर चोरी करता है, जो थीफ होता है वो स्टील करता है। फिर है दोस्तों मजे करना। मजे करने को कहते हैं एंजॉय। एंजॉय, लगता है आपने अपनी ट्रिप में बहुत मज़े किए, आपने अपनी ट्रिप में बहुत एंजॉय किया है। फिर है दोस्तों सुनना। अपने कानों से सुनने को हम कहते हैं इंग्लिश में लिसन। लिसन, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। फिर है दोस्तों कदम। कदम को कहते हैं स्टेप। स्टेप, एक सही कदम आपकी ज़िंदगी बना सकता है। एक सही स्टेप आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को बना सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक साथ। कई लोग जब एक साथ होते हैं तो उसे कहते हैं टुगेदर। टुगेदर। फिर है दोस्तों साथ। साथ को इंग्लिश में कहते हैं विथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू। नेक्स्ट है दोस्तों लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। लेंथ, किसी चीज़ की हम लंबाई नापते हैं तो कैसे बोलते हैं, उसकी लेंथ इतनी है। फिर है दोस्तों लंबा। अगर कोई चीज़ लंबी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग या टॉल। लॉन्ग या टॉल। फिर है दोस्तों लंबा। अगर कोई एनिमल ऊंचाई में लंबा है तो उसे हम टॉल कहते हैं। टॉल। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत बड़ा। बहुत बड़ा को कहते हैं ह्यूज या जायंट। ह्यूज या जायंट। बहुत बड़ा पैसा मिला है, बहुत सारा पैसा, ह्यूज मनी। नेक्स्ट है दोस्तों छोटा। छोटा को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल। स्मॉल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुंदर। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं गॉर्जियस। गॉर्जियस। फिर है दोस्तों लाना। कहीं से कोई चीज़ को उठा के लाना, उसे हम कहते हैं ब्रिंग। ब्रिंग, वो सामान लेकर आओ, वो बुक लेकर आओ। ब्रिंग दैट बुक। ब्रिंग दैट बुक। फिर है दोस्तों श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलेंट। एक्सेलेंट, अगर कोई अच्छी पढ़ाई करता है तो उसकी नोटबुक में मैम लिख के देती है एक्सेलेंट। नेक्स्ट है दोस्तों अंगूठी, जो हम उंगलियों में पहनते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिंग। रिंग। नेक्स्ट है दोस्तों योजना। योजना को इंग्लिश में कहते हैं स्कीम। स्कीम, जो हमारी सरकार, गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार की योजनाएं निकालती हैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए, उसे कहते हैं स्कीम। नेक्स्ट है दोस्तों बदनाम। बदनाम मतलब डीफेम। डीफेम, उसको बदनाम मत करो, उसे डीफेम मत करो। नेक्स्ट है दोस्तों दुकान। किसी भी चीज़ की दुकान को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोर या शॉप। शॉप थोड़ी छोटी होती है, स्टोर थोड़ा बड़ा होता है। फिर दोस्तों शब्द है विकास करना। विकास करना को इंग्लिश में कहते हैं डेवलप। डेवलप, अब ये गांव में विकास हो रहा है, ये गांव के अंदर डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। फिर है दोस्तों इलाज, जो डॉक्टर हमको दवाई देकर, इंजेक्शंस देकर करता है। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, मैंने डॉक्टर से इलाज करा लिया है, मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया है। फिर है दोस्तों विषय। विषय को इंग्लिश में कहते हैं टॉपिक। आज किस विषय में पढ़ाई करनी है, आज किस टॉपिक पे पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों शब्द लड़ाई। लड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं फाइट। फाइट, लड़ाई बंद करो, स्टॉप फाइटिंग। फिर शब्द है दोस्तों गाली। गाली को इंग्लिश में कहते हैं अब्यूज़। अब्यूज़, गाली मत दो,
डोंट अब्यूज। फिर है दोस्तों सीढ़ी। सीढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर्स। सीढ़ी पर ध्यान से उतरो, स्टेयर्स पे ध्यान से उतरो। फिर है दोस्तों धैर्य। धैर्य को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस। बच्चों के साथ धैर्य से काम लो, बच्चों के साथ पेशेंस से काम लो, गुस्सा नहीं करना है। फिर है दोस्तों खरीदना। खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं परचेज। अगर आप बहुत महंगी चीज़ खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं परचेज। थैंक यू। आई होप दोस्तों आज के ये 100 डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश वर्ड्स आपने सीखे हैं और आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहाँ पर हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे।